रवि, अशोक और प्रकाश के बीच रुपए 33,630 को इस प्रकार बांटे कि रवि की धनराशि अनुपाते अशोक की धनराशि 3:7 और अशोक की धनराशि अनुपाते प्रकाश की धनराशि 6:5। तो अशोक द्वारा प्राप्त किए गए रुपए आपको बताने हैं, ठीक है। देखो, यहाँ जो है आपको दिया गया है रवि, ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है रवि, रवि आर हम इसको लेते हैं, रवि अशोक ए लेते हैं और प्रकाश को हम पी लेते हैं। तो इनका जो अनुपात है आपको यहाँ ज्ञात करना है, ठीक है, रवि अनुपाते अशोक अनुपाते प्रकाश। लेकिन आपको यहाँ गिवन क्या है, यहाँ गिवन है रवि और अशोक का जो अनुपात है वह है 3:7। और फिर यहाँ अशोक और प्रकाश, अशोक और प्रकाश का जो अनुपात है वह है 6:5। तो हम जो अशोक है, यहाँ अशोक तो दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ 7 है यहाँ 6 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ ऊपर जो है 6 से गुणा कर देते हैं, 6 से, यहाँ 6 से गुणा कर दिया। नीचे नीचे जो है यहाँ 7 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 7 से गुणा कर देता हूँ, 7 से गुणा कर दिया, तब आ गया कितना, 36 18, 36 18 हो गया। इधर यहाँ रवि और अशोक है, 36 इधर 18 हो गया, इधर 6 7 42 हो गया, राइट। अब नीचे अशोक और प्रकाश का है, अशोक अनुपात प्रकाश, अशोक का कितना है, 6 7 42 है और 5 7 35 है। अभी दोनों ही बराबर हो गए, ठीक है, ये जो है दोनों बराबर है, 42 42। तो रवि अशोक और प्रकाश का जो अनुपात हुआ वो हुआ 18:42:35, ठीक है। अब देख पा रहे हैं हम कि ये तीनों का जो योग है वो कितना है, 18 और 42 कितना हो गया, 42 और 8, 50 दस 60, 60 30 90, 5 95, ठीक है, 95। तो हमें पूछ क्या रहा है, अशोक द्वारा प्राप्त किया गया रुपया कितना है, अशोक ए है, ठीक है, और टोटल कितना रुपया था, 33,630 है। अशोक का हिस्सा कितना बड़ा, 42/95, 95। इसको हल कर लेते हैं, 95 है ना, तो 95 95 यहाँ भाग देते हैं, 4 4 8 32 नहीं जाएगा, 3 9 27, 3 5 15 की 5, 3 बार जाएगा, 3 5 15 की 5 हो गया, 3 9 27, 27 1 28 हो गया, 6 में 5 यहाँ करेंगे तो 1 आया, और यहाँ 12 13 13 में 8 गए, यहाँ 5 आया, 5 आया यहाँ, फिर 3 आया, फिर बार कितना जाएगा यहाँ, 8 5 9 45, 6 9 54, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 5 25 हो गया, 5 9 45 तो 47 हो गया, 47 हो गया, तो फिर माइनस करेंगे कितना जाएगा, 13 में 5 गए 8 हो गया, 10 10 में से 7 यहाँ 3 हो गया, 0। अब कितना बार जाएगा, 4 25 4 9 36, 36 2 38, अब 4 बार जाएगा, कट जाएगा पूरा, ठीक है, 354, 354 गुणे 42, ठीक है, 354 गुणे 42, 354 गुणे 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 5 10 की 0 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, 4 चौक 16 की 6 हो गया, 4 5 20 20 1 21, 4 3 12 12 2 14, जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, 8 6 7 1 8 और 1 14 हो गया, 14,868, 14,868 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या होगा, ए, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ए इज गोइंग टू बी
राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।